हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2018 एग्जाम। ये जो सेशन रहेगा वो स्पेसिफिक टू सिर्फ नबार्ड नहीं, ऑल डिफरेंट बैंक एग्जाम्स जो 2018 में आप देने वाले हैं उसके लिए रहेगा। जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी कंप्यूटर अवेयरनेस के और भी बहुत सारे सेशन हम चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर नॉलेज जाके चैनल में टाइप कीजिए और प्लेलिस्ट या फिर सारे कलेक्शन जो वीडियोस का है वो आपके सामने आ जाए। आज के सेशन में भी वही करेंगे जो हर कंप्यूटर अवेयरनेस के सेशन में हम करते हैं। 10 कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड हम सवाल लेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। 5 ऑप्शन रहेंगे आपके, एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा और उस आंसर पे अपने थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, ब्लैंक इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क विच अलाउज कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज डेटा, और 5 ऑप्शंस आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। द मोस्ट कॉमन रिसोर्स शेयर टूडे इज थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, अब फिर आता है बाकी जो है, जैसे ऑप्टिकल ओसीआर, ओसीआर का मीनिंग देख लेते हैं, जो जो ऑप्शन है उसमें भी मीनिंग देख लेते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका क्या मतलब रहता है? ओसीआर इज द मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन ऑफ इमेजेस ऑफ टाइप्ड कॉमा हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू मशीन इनकोडेड टेक्स्ट। ठीक है, और जेवीएम का भी देख लेते हैं। जेवीएम की फुल फॉर्म रहती है आपकी जावा वर्चुअल मशीन। अ जेवीएम इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग मशीन दैट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू रन अ जावा प्रोग्राम। फाइनली कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विच अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड मैनिपुलेट बेसिक सिस्टम सेटिंग्स एंड कंट्रोल्स। ठीक है, आंसर है आपका ए, पर हमने सारे ऑप्शंस के थोड़ा ब्रीफ में थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन डिस्कस कर ली जिससे आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या इनका मीनिंग था। जेवीएम क्या था? जावा वर्चुअल मशीन। ओसीआर क्या था? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज रिफर्ड टू एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द डेटा बेस इज कंस्ट्रक्टेड, और 5 ऑप्शन आपको गिवन है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्कीमा। अ डेटा बेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटा बेस। It defines how the data is organized and how the relations among them are associated. ठीक है, तो relation बताता है। आगे बढ़ेंगे, third question पढ़ी, what is the low level programming language for a computer or other programmable devices in which there is a very strong generally one-to-one correspondence between the language and the architecture's machine code instructions called, क्या बोला जाता है उन्हें? 5 options आपको given, answer क्या रहेगा? आप answer है option B, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर अ कंप्यूटर और अदर प्रोग्रामेबल डिवाइस स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच आर जनरली पोर्टेबल अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया असेंबली लैंग्वेज के बारे में। आगे बढ़ेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is not a hardware component? इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है? 5 ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर और बूट प्रोग्राम इज ए प्रोग्राम डेट रिसाइड्स इन द कंप्यूटर्स एप्रोम, रोम और अदर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, Which of the following is intangible in nature? और 5 ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल इन नेचर। इनटेंजिबल मीन्स अनेबल टू बी टच, नॉट हैविंग फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, क्लियरली अंडरस्टूड है। आगे बढ़ेंगे, 6ठा सवाल देखिए, What is ASCII is? और 5 ऑप्शन आपको गिवन है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूज टू रिप्रेजेंट लेटर्स एंड कैरेक्टर। सबसे पहले तो ASCII का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
Information interchange is the most common format for text files in computers and on the internet. Aur iska use kis liye hota hai? Encoding standard used to represent letters and characters. Theek hai? Aage badhenge, saatwa dekhenge. What is a popular program for view, create, manipulate, print and manage text document that can be read on both the OS, Windows and Macintosh? तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है? पांच ऑप्शंस आपको गिवन है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अडोब एग्रोबैट या फिर अडोब रीडर. अडोब रीडर इज यूज्ड टू रीड पीडीएफ फाइल्स दैट कैन बी रेड ऑन बोथ विंडोज एंड मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, आगे बढ़े. आठवां सवाल देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिफर द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम. और पांच ऑप्शन आपको गिवन है. अब एप्लीकेशन प्रोग्राम, फॉर एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका आंसर होगा. ऑप्शन ए क्या है? मीट स्पेसिफिक यूजर नीड्स. एन एप्लीकेशन प्रोग्राम केटर टू स्पेसिफिक नीड ऑफ द यूजर एज दे आर डिजाइन टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क और स्पेसिफिक पर्पस. ठीक है, आगे बढ़े. नाइन सवाल देखिए. What is the function key that can be used to refresh the current window? Current window को refresh करने के लिए कौन सी function key use की जाती है? पांच options आपको given है, correct answer क्या रहेगा? Correct answer है option A, F5. F5 is the function key that can be used to reload or refresh windows. Okay. Final दसवां सवाल देखिए. Which of the following is not a network टोपोलॉजी? और पांच ऑप्शंस आपको गिवन है. इनमें से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी में इंक्लूड नहीं होता? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, बोथ ए एंड सी. ए क्या है? कोलिनियर. और सी क्या है? रोम्बस. तो रोम्बस और कोलिनियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी. थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं. नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, लिंक्स, नोड्स एटसेट्रा of a computer network. Some popular network topologies are star, ring, bus, mesh, tree and hybrid topology. ठीक है, तो I hope आज का जो session है computer का आपके लिए काफी useful रहा होगा. 10 सवाल MCQ format में हमने discuss किए for different bank exams. ये specific मैंने लिखा है NABARD 2018 के लिए, क्योंकि आने वाला जो सबसे closest exam है वो NABARD है. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आप हमसे चाहते हैं कि हम इसमें कुछ चेंजेस करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के भेजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर लीव कीजिएगा, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन बटन के पास, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए. उससे होगा ये कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. हैव अ नाइस डे.